ପିଟୁ ମାରରେ चुकी हूँ। और सबसे पहले सॉरी कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी, मुझे स्नैप्स पे भी बहुत सारे मैसेज आए कि दीदी आप न्यू ब्लॉग कब डालोगे, बट सॉरी कि नहीं डाल पाई क्योंकि ये सब इतना फास्ट फास्ट हो रहा था ना, और मैं 7-8 दिन बाहर थी घर से, तो फिर आप देख भी सकते हो मेरे फेस पे कितना टायर्डनेस आया है। तो और हाँ, मुझे अभी पता, मतलब पहले ही पता था पर इतना श्योर नहीं था, तो मुंबई में है लॉकडाउन और यहाँ पे सब बंद है, तो लाइक 30 तारीख तक यहाँ पे सब बंद होगा और मैं सैलून नहीं जा सकती। तो अगर मुझे एक ट्रिक है वो आपको बतानी है, आपको भी अगर सैलून जैसा क्लीनअप घर पे करना है तो उसके लिए मैं 3 सिंपल स्टेप यूज करती हूँ, मतलब ट्राई करती हूँ। तो वो है एक फेस स्क्रब, फेस मास्क एंड नाइट जेल। तो वो क्या है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला, वो 3 सिंपल स्टेप्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ प्लम के प्रोडक्ट। और गाइज, आप सबको पता है कि जस्ट मैं अभी घर पे आई हूँ ट्रैवल करके, और हमारे घर पे तो कभी भी कोई फंक्शन आता ही है और लाइक कोई इवेंट हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग हमेशा मतलब सैलून जाए। तो मैं आपको ये बताऊंगी आज कि हम लोग सैलून जैसा क्लीनअप घर पे कैसे कर सकते हैं, और इसे यूज़ करने के बाद आपकी स्किन एकदम ब्राइट और क्लियर हो जाएगी। तो चलो इसे यूज़ करते हैं। सो ये है प्लम का ग्रीन टी रेंज। तो फर्स्ट वन इज जेंटल रिवाइवल फेस स्क्रब, सेकेंड क्लियर फेस मास्क, एंड लास्ट वन इज रिन्यू क्लैरिटी नाइट जेल। सो ये फेस स्क्रब सल्फेट फ्री वाटर बेस्ड है और इसमें वॉलनट शेल के ग्रैन्यूल्स भी है, और इसमें आपकी जो डेड स्किन है वो निकालने में हेल्पफुल होता है ये। और इसको आपको सर्कुलर मोशन में लगाना है फेस पे, और जहाँ पे आपके स्किन पे एक्ने होंगे तो आपको वो पार्ट अवॉइड करना है, और आप इसे वीक में 1 या 2 बार ही यूज कर सकते हो। तो आपको ऐसे जेंटली स्क्रब करना है अपने फेस पे। सो ये फेस मास्क आपको आपकी स्किन पे इवनली अप्लाई करना है, और ये आपको 30 मिनट्स तक रखना है जब तक ये पूरी तरह ड्राई ना हो। और आप सबको पता है कि समर में हमारे स्किन से बहुत ज़्यादा स्किन मतलब ऑयल निकलता है, तो ये फेस मास्क उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो अभी इसे पूरा ड्राई होने के बाद इसको वॉश करना है। सो ये नाइट जेल एकदम परफेक्ट नाइट मॉइस्चराइजर है, ये आपके स्किन के हाइड्रेशन लेवल को कंट्रोल करता है, और ये आप आराम से रात को लगा के सो सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टिकी और ग्रीजी नहीं है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बाहर गर्मी है, समर चल रहा है, और ये समर में ऑयली स्किन और ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम होता है, तो ये प्लम का ग्रीन टी रेंज बहुत ही ज़्यादा स्किन के लिए सूटेबल है। जैसे कि आप सबको पता है, आपने मतलब मैं स्किन के लिए बहुत ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, और खास मैंने ये प्रोडक्ट खुद यूज़ किया है और ये सच में स्किन के लिए बहुत अच्छा है। 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो मेरा कूपन कोड यहाँ पे है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आपको ऐसा लगेगा कि मैं अभी इतने ऐसे हुलिया में क्यों बात कर रही हूँ, तो आज के ब्लॉग में क्या होगा ये मैं आपको रेडी होके बताऊँगी। तो चलो है एवरीवन, सो मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ जैसे मैंने बोला था, और आप अब भी हमें रोहित पहले मेरे सिस्टर के घर पे ड्रॉप करेगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। तो आपको जैसे पता है कि लास्ट ईयर लॉकडाउन था, कर्फ्यू था एकदम कड़क वाला, तब हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे, और इस टाइम भी मुंबई में लॉकडाउन चल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है सानू, लॉकडाउन, मतलब सब बंद है, हाँ, सब बंद है, सब बंद है इधर।
तो मतलब तब जैसा था ना उतना स्ट्रिक्ट तो नहीं है, बट हाँ लॉकडाउन है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज वही वाला लॉकडाउन जैसे हम लोग पूरा दिन बिताते थे, पूरा दिन क्या क्या करते थे, तो वो आज करे। तो अभी जो ये करती थी लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर में पूरा दिन घर पे क्या करती थी, मतलब किसके साथ टाइम स्पेंड करती थी, पूरा दिन क्या क्या करना पड़ता था, वो आज सब चीजें हम लोग करेंगे। यस, तो अभी शुरुआत करते हैं, पहले ये हमें ड्रॉप करेगा। तो अब मैं आ चुकी हूँ मेरे सिस्टर के घर पे, और ये था लास्ट ईयर का मेरा एक शेड्यूल में से छोटा हिस्सा। जैसे कि मैं जैसे मॉर्निंग में उठती थी 11 बजे, फिर तभी ऐसा था कि मुझे दिन में सोचना पड़ता था कि मैं यूट्यूब के लिए, सॉरी तभी यूट्यूब नहीं था मेरा, तो टिकटॉक के लिए मैं क्या कंटेंट बनाऊँ। तो ये थी मेरी शूटर उस टाइम, और हम लोग मतलब वीडियो बनाने के लिए 4 बजे मैं यहाँ पे आती थी। तो पहले यहाँ पे दिखा दियो रूपा के घर में हम लोग कहाँ कहाँ वीडियो बनाते थे। ये घर का ऐसा कोई कोना नहीं है, इसको इसके घर का पूरा कोना हम लोगों ने यूज किया। यहाँ पे हम लोग कॉमेडी वीडियोस बनाते थे और यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस बनाए तभी। तो ये है हमारा रॉली, मतलब रीवा का रॉली। रीवा भी आएगी, रीवा सानू के घर पे गई है। हाँ सानू के घर पे गई है। तो ये ना पहले इतना था शायद जब लास्ट लॉकडाउन में, हाँ लास्ट लॉकडाउन में ये इतना ही था, और अभी ये इतना हो गया पूरा इसका साइज, और अभी तो ये पूरे मतलब टैंक में बैठा ही नहीं है, अभी ये बड़ा करने वाले हैं। चलो अभी हमारा मिलना मिलन दे पे था। ये क्या खरीद रिवा इकड़े है, इधर आ। तो उसने नया फोन लिया क्या? या और मुझे कितने दिवस आज वेट लो पापू दे खूब सारे मला हो करने बजे है 4:30 और चुप। और अभी हम लोग जैसे कि लास्ट ईयर मैं यहाँ पे ही मोस्टली जब घर पे वीडियोस बनाती थी, क्योंकि वहाँ पे तभी ऐसा था कि हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, बट रोज़ घर पे तो वीडियो नहीं बना सकती थी, तो मैं 5 मिनट का ही रोड है मेरे घर से मेरे सिस्टर के घर तक। और फिर रीवा एकदम एक्साइटेड है क्योंकि उसकी एक चीज़ है वहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ, पहले वो दिखा दूँ वो इतने एक्साइटेड क्यों है। ये पूरा गीला है यहाँ पे, शिट बहुत ही ज्यादा गीला हो गया है ना, शिट शिट शिट। मैं दिखाती हूँ हर एक वो जगह जहाँ पे हम लोग मतलब वीडियोस बनाते थे। सबसे पहले ये बहुत बड़ा जामुन का झाड़ है, और लास्ट ईयर ना यहाँ पे जैसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए अगर मैं चुप तो वीडियो बनाने के मैं यहाँ पे ऐसे खड़ी रहूंगी ना, तो हम लोग ऐसे तोड़ के मतलब जामुन तोड़ के ऐसे हाथ में तू इधर कैसे शूट करते, मजा आता था ना बहुत। पर ये बात तो है कि लॉकडाउन में जो वीडियोस बनाए ना, और बहुत मजा किया है तभी हम लोगों ने, और बहुत मेहनत करनी पड़ी तभी रोज वीडियोस बनाते थे रोज। एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैंने काम नहीं किया होगा, सिर्फ लॉकडाउन में सिर्फ 2 ही दिन मैंने रेस्ट लिए थे। यहाँ पे बहुत धूप है, हाँ नीचे नहीं जा रही हूँ, यहाँ पे खड़ी हूँ।
तो बहुत मेहनत की थी, तो वो दिन याद आते तो ऐसा लगता है कि हम लोग क्या क्या करते थे। मैं कुछ बता रही हूँ ना, बोल। मुझे ऐसे स्विमिंग पूल दिख रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है उसमें डुबकी मारू। पागल म्हणजे मी कोणत्या मुलाला बघितलं तर तू कशी करणार मला? बघ तू पण बघ बोलतोय बनाते थे इतने धूप में रोज, फिर सानू उसको एडिट करती थी। और हाँ, हमेशा हर रोज हमारे घर पे ना कोई एक डिश तो बनती ही थी। तो उसमें एक डिश थी जो मतलब मैं तो कुछ नहीं करती थी, मैंने एक ही दिन सिर्फ मोमोज बनाया था। तो ये देखो मेरी शेफ, जो मुझे तो रोज ऐसे मिलता है, तो ये देखो बना रही है। क्या है, क्या बना रही है? इतनी गर्मी ना, मैं जस्ट एक शॉर्ट्स पहन के आई हूँ अभी और सीधा मैं अभी ऊपर पूल में जाने वाली हूँ। रीवा तो अभी बिल्कुल रेडी नहीं है। और ऐसे ही घर पे फन करो और घर पे रहो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि घर पे रहना, बट काम के वजह से इधर उधर जाना पड़ता है। बट हाँ, पूरा प्रिकॉशन के साथ ही जाती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मतलब चले जाती हूँ। कोविड टेस्ट तो मेरी बहुत बार हो चुकी है, तो कोई नहीं, फिट हूँ मैं। चालू हो गया, आ जाओ। हे तुझ्यासाठी जास्त मँगो टाकलेत मी ह्याच्यात। कोणतं? हे बस का आज जिते मला नाही, मला पण नको मिळत तो पता है मुझे मँगो पसंद है। वो मुझे भी चाहिए पण मुझे शायद नहीं मिलेगा। या भी भिखारी की तरह मांगेगी। पागल है तू? बघू थोडं एक नंबर आहे। कुठं मला जायचं? ये ना आजकल रोहित ना बहुत ज्यादा ये हो गया है, मतलब बोलते ना कंजूस खाने के मामले में, मुझे कुछ शेयर नहीं करता। तू करो यार, तू ऐसा नौतास पहले पहले। आपने देखा ही होगा कि हम लोगों ने मैंने आज आपको दिखाया ब्लॉग में कि हम लोग लास्ट ईयर इस तरह पूरा दिन बिताते थे, जैसे कि वीडियो करना, पूरा दिन मेहनत करती थी। मैं तो बहुत वीडियो टिकटॉक्स पे बनाती और रात को कभी कभी 10 बजे तक मैं वीडियो बनाती थी और सुबह लेट उठती थी, क्योंकि दूसरे दिन वापस सेम वही रूटीन करना था। और ऐसे ही सबके साथ रहना, लॉकडाउन एक अच्छी बात भी थी और बुरी बात भी है, और अभी तक वो सब चल रहा है। बट मैं प्रे करूँगी कि ये सब
जल्दी ख़त्म हो। एंड आज जो भी मैंने दिखाया वो जो मेरी लाइफ का एक छोटा ऐसा पार्ट हो चुका है, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ मेरे लाइफ के सब मोमेंट आपके साथ। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? ये ब्लॉग एकदम नॉर्मल था आई नो, बट बहुत दिनों से कुछ नहीं डाला था तो आपके लिए मुझे कुछ ऐसे दिखाना था कि मैं बहुत टाइम के बाद एक्चुअली मैं घर पर आई हूँ और इसके बाद मुझे कहीं जाना है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में एक ऐसी जगह बताओ, शायद मैं शिमला के बारे में सोच रही हूँ, तो आप मुझे बताओ कि मैं वहाँ पे जाऊँ या नहीं। तो कमेंट में अपना प्यार ज़रूर दिखाना और इसी तरह मुझे प्यार करते रहो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। लव यू ऑल।